इससे पहले नवग्रह देवताओं के वैदिक मंत्र जो है हमने पढ़ना सीखे थे। इस वीडियो में मैं आपको अधिदेवता और प्रत्यधि देवता जो हैं उनका स्थापन जो कि नवग्रह मंडल के साथ साथ में होता है उन्हीं के ऊपर कुछ जो वैदिक मंत्र हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ना सीखेंगे। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि हमें अधिदेवता और प्रत्यधि देवताओं की जो स्थापना के मंत्र हैं वैदिक मंत्र हैं उनको बोलना सिखाइए। तो आपने हमारी अगर रुद्राष्टाध्यायी और नवग्रह वाली वीडियोस, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त वाली वीडियोस अगर देखी हैं तो आप इनको बहुत आसानी से पढ़ना सीख लेंगे। तो वीडियो को जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको पहले भी कहता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और एक संस्कृति की सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए ये एक चैनल बनाया है। ये लंबे समय तक रहे, लोग इसका लाभ ले सकें, इसलिए मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पिछले 1-2 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको आप सुनेंगे लास्ट तक तो आपको आदि देवता और प्रत्यादि देवता की स्थापना के जो मंत्र हैं वो बोलना आ जाएंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये हम जानते हैं कि जब कोई व्रत का उद्यापन होता है, शतचंडी यज्ञ अनुष्ठान आदि, जब भी कोई विशेष अवसर होता है तो नवग्रहों की पूजा होती है, ये तो हम जानते हैं। तो अब नवग्रहों के साथ अधिदेवता प्रत्यय देवता आदि की भी पूजा होती है। इनकी स्थापना का विशेष नियम है जिसका निर्देश यहाँ किया जाता है। आपने नवग्रह का अगर मंडल देखा तो नवग्रह मंडल में ना साथ साथ में कुछ सुपारियाँ जो है आदि देवता और प्रत्यादि देवताओं की भी होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है चित्रानुसार आदि देवताओं को ग्रहों के दाहिने भाग में और प्रत्यादि देवताओं को बाएं भाग में स्थापन करना चाहिए। ये ध्यान दे दो, आदि देवता जो हैं वो दाहिनी तरफ होंगे, राइट साइड होंगे, और जो प्रत्यादि देवता हैं वो लेफ्ट साइड होंगे, बाईं साइड होंगे। तो आदि देवताओं की स्थापना हाथ में अक्षत पुष्प लेने हैं और निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए चित्रानुसार, यहाँ यहाँ पर उनका चित्र बना हुआ है उसके अनुसार आदि देवताओं के आवाहन स्थापन पूर्वक अक्षत पुष्पों को छोड़ता जाए। तो ये मंत्र जो है ईश्वर देव के लिए मंत्र है। सूर्य के दाएं भाग में ये बैठते हैं, इनके आवाहन और स्थापना का ये मंत्र है। ओम त्र्यंबकम् जजामहे सुगंधिम पुष्टिवरदानम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब मैंने ये बहुत जल्दी ही बोला है क्योंकि और वीडियो में इतने जल्दी नहीं बोला, यहाँ बोला क्योंकि ये मंत्र मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ईश्वर के लिए ये वाला मंत्र बोल रहा है। तो ये जो नीचे में रहता है ना ये लौकिक मंत्र रहता है। तो लौकिक मंत्र जो हैं ये आप खुद भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है, एह्ये हि विश्वेश्वर नस्त्रिशूलक पालखटवांगधरेण सार्धम लोकेश यक्षेश्वर यज्ञ सिद्ध्यै गृहान पूजाम भगवन् नमस्ते। अब लौकिक मंत्र का इतना महत्व नहीं है जितना वैदिक मंत्र का है। तो आप एक ही मंत्र बोलें, दो दो मंत्र बोलेंगे तो पूजा बहुत लंबी हो जाती है, इतना समय नहीं है आज के समय में। एक मंत्र बोलें, वैदिक मंत्र बोलें, वैदिक मंत्र जल्दी बोल दिया जाता है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लिखा है इसके बाद ये वाली लाइन जरूर बोलनी होती है, ओम भूर्वः स्वः ईश्वराय नमः ईश्वरम आवाहयामि स्थापयामि। जब ये बोलते हैं तब ईश्वर देव आ जाते हैं और वहाँ पर हमको बुला करके विधिवत उनकी स्थापना करते हैं। अब दूसरे देव हैं, दूसरे देवता हैं आदि देवताओं में जो दूसरे देवता हैं उमा, तो चंद्रमा के दाएं भाग में, और उमा यहाँ पर माता के ही रूप में बैठती हैं। तो इनका आवाहन स्थापन जो है इस तरह से, ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरूपामश्विनौ व्यात्तम। ये मैंने आपको ना ये मंत्र जो है द्वितीय अध्याय में पढ़ाया था, कहाँ, रुद्री में, तो उसकी वीडियो देखी होगी आपने। तो ये लिखा है व्यात्तम, तो यहाँ पर जो ता है इस तरह से दिखता है ना, तो ये ता द्वित्व होता है, मतलब डबल ता है, एक तो आधा ता है एक पूरा ता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्या करना होता है,
पहले आधे ताक तक पढ़ना है व्यात, फिर आगे वाला अलग से बोलना व्यातम्मा। अब यहाँ हलंत है, इसके सामने ये पूर्ण विराम है, एक डंडा सा है, तो यहाँ पर तम नहीं बोलना, तम्मा बोलना है, फिर उसके बाद आगे बोलते हैं। इश्नन्नी खाना मुम्मा इखाना सर्वालोकम्मा सर्वालोकम्मा, यहाँ आगे ऐसा साइन होता है इखान, तो इस तरह से ये शाह है, इसको मैं खा बोलता हूँ, ये मैंने आपको रुद्री पढ़ते हुए भी ये बताया था, ठीक है। तो शिवा शिवा गुहो विष्णुर ब्रह्मेन्द्रिय मकला मकाल का चित्रगुप्तोथ वानवादेर दक्षिणे चादि देवता, ये सूर्यादि ग्रहों के दक्षिण पार्श्व में क्रमशः शिव पार्वती स्कंद विष्णु ब्रह्मा इंद्र यम काल और चित्रगुप्त, ये अधिदेवता अधिष्ठित किए जाते हैं, ये अधिदेवताओं के लिए सबके लिए एक मंत्र है। अधिदेवता कौन कौन से हैं ये उनके लिए बताया गया है, ठीक है। अब इनके लिए उमा के लिए श्री सुख से आप किन्हीं भी दो मंत्रों को बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हेमाद्री तनयाम देवीम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननीम उमा मावाहयाम्यहम, ये आप मंत्र ये भी बोल सकते हैं और बोलेंगे ओम भूर्वः स्वः उमायै नमः उमाम आवाहयामि स्थापयामि, तो यहाँ उमा की हमने स्थापना कर ली। अब चलते हैं आगे स्कंद देव जी के लिए, मंगल के दाएं भाग में ये बैठते हैं, बैठेंगे सब दाएं भाग में ही, पहले ही कहा था मैंने आपको आवाहन स्थापन इनका जो है इस तरह से करना है हमने, ओम यदक्रंदाः, ये वैदिक मंत्र है, हरि ओम यदक्रंदाः, बोल ले रहे हो ना, ये या है और ये या है, यदक्रंदाः प्रथमं प्रथमं जायमान, फिर उद्यन्त उद्यन्त, ठीक है। यहाँ पर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ऊ है फिर उसके बाद द्या है फिर उसके बाद आधा ना, उद्यन हो गया फिर आधा तावी है उद्यन्त, है ना। छोड़ना किसी अक्षर को नहीं, किसी अक्षर को छोड़ देंगे समझो पाप कर दिया हमने, गलत नहीं बोलना बिल्कुल। तो इसी तरह से उद्यन्त सामुद्रा दूतवा, ये ऊ है, दूतवा पूरी खात, ता हलंत है और अंत में है, इसके बाद पूर्ण विराम है, तो बोलना इसको, ता नहीं बोलना, शखात नहीं बोल सकते, खात, फिर उसके बाद शे नस्या, क्या है शे नस्या पक्षा हरिणस्या हरिणस्या बाहू उपस्तुत्यम, फिर से सुनो उपस्तुत्यम मही जातन ते अर्बन्ना अर्बन्ना, यहाँ कैसे बोलना होता है मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, ये जो रा है इसको पहले ले लेना अर, फिर क्या बचा वन्ना, ना वन नहीं बोलना इसको वन्ना, ये वैदिक मंत्र है, तो वैदिक मंत्रों को बोलने का तरीका अलग होता है। रुद्राष्टादेय आपने सीखी होगी, तो उसमें मैंने ना आपको बहुत छोटी छोटी बातें डिटेल्स में बताई हैं, वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या आप पुरुषोक्त की वीडियो देख लो, है ना। फिर से बोलते हैं ओम यदक्रंदः प्रथमं जायमान उद्यन्त सामुद्रादुतवा पुरी खात शेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुतियम मही जातन्ते अर्बन्न, इस तरह से ये हो गया स्कंद देव जी के लिए मंत्र। उनके लिए लौकिक मंत्र ये है रुद्र तेज समुत्पन्नम देवसेनाग्रगम विवुम षण्मुखम कृत्तिकासूनुम स्कंदमावाहयाम्यहम, इस तरह से ये आ गया इसका लौकिक मंत्र। तो इस तरह से बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदाय नमः स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि। अब भगवान विष्णु जी के लिए मंत्र है, बुध के दाएं भाग में ये बैठते हैं और इनका मंत्र है ओम विष्णो रराटमसि विष्णो
स्नप्त्रयस्तो विष्णोः स्युरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ये मंत्र भी आपने पढ़ा हुआ है ना? तो फिर से बोलते हैं, ओम विष्णोराराट मसि विष्णोः स्नप्त्रे। क्या है? स्नप्त्रे स्थो विष्णोः स्युरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। इस तरह से बोलिए। और लौकिक मंत्र है, देव देवम जगन्नाथम, जगन फिर नाथम, डबल ना है ना, तो उसके लिए आपने पहले जगन बोलना है फिर नाथम बोलना है। जगन्नाथम भक्तानुग्रहकारकम चतुर्भुजम रमानाथम विष्णु मावा हयाम्यहम्। तो लिखा, ओम भूर्वः स्वः विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी की वहाँ स्थापना हो गई। अब भगवान ब्रह्मा जी की है, तो ये ब्राह्मणों के लिए भी मंत्र, जो ब्राह्मण लोग हैं वो इस मंत्र को पूजा के समय में, जब ब्राह्मणों की पूजा होती है तो उस समय में इस मंत्र को बोलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, बहुत लंबा मंत्र है लेकिन आपको आना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी का मंत्र है, बृहस्पति जी के दाएँ भाग में बैठते हैं और इनका आवाहन स्थापन कुछ इस तरह से होगा। ओम आ ब्रह्मन, ये ब्रह्मन लिखा है ठीक है, जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा है जैसा ही है ब्रह्मन। ब्राह्मणो आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मा वर्चसि, बिल्कुल आसान है। जायतामा राष्ट्रे राजन्याः राजन्याः शूर एकव्यो एकव्यो तिव्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री। क्या है? दोग्ध्री देनुर्वोडा नडवा नाशुः सप्तिहि पुरंदिर्योखा। क्या है? पुरंदिर्योखा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वारेखातु फालावतियो न ओखदयाः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। इस तरह से इस मंत्र को आप बोलें। और यहाँ लौकिक मंत्र है, कृष्णा जिनाम्बरधरम पद्मसंस्थम चतुर्मुखम वेदाधारम निरालंबम विधिमावाहयाम्यहम्। तो भगवान ब्रह्मा जी का एक नाम विधि भी है ना, तो यहाँ विधिमावाहयाम्यहम्। ओम पूर्वास्वा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मानां मावाहयामि स्थापयामि। इसमें कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल शब्द लगा क्या आपको? तो अगर मुश्किल शब्द है तो कैसे समझा जाए कि ये मुश्किल शब्द है? तो कुछ मुश्किल तो नहीं है अगर आपने ध्यान से सुना होगा। फिर से रिपीट कर लीजिए, सुनिए एक बार फिर से। ऐसा कुछ मुश्किल मुझे लग नहीं रहा है, तो मैं आपको खुद ही बताता कि ये मुश्किल है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो ये पुरंदिर लिखा है, पुरंदिर योखा, पुरंदिर योखा। अगर ये मुश्किल है तो देनुर्वोड़ा नडवा नाशुहु नाशुहु सप्तिहि, इस तरह से ठीक है। ओम भूर्वास्वा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मानं मावाहयामि स्थापयामि। अब बढ़ते हैं आगे। अब हैं भगवान इंद्र जी, और इनके लिए शुक्र के दाएं भाग में आवाहन स्थापन होगा। और इंद्रदेव जी के लिए ये मंत्र हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ओम सजोखा सजोखा इंद्र सागनो मरुद कहते हैं किसको? बादलों को। तो मरुद भी हो गया बादलों के साथ। मरुद भी ही सोमम पीव वृतराह शूर विद्वान। यहाँ यहाँ इंद्र की बात आती है, वहाँ मरुद भी साथ में देखते हैं, सोम भी साथ में देखता है, सोमरस ठीक है, और वृत्र भी, ये कुछ शब्द हैं जो साथ में रहते हैं इंद्रदेव की पूजा में। जहि शत्रुन
रपम रिधो नुदस्वाथा, क्या है नुदस्वाथा, भयम क्री नुहि विश्वतो नाहा। इस तरह से ये इंद्रदेव जी के लिए मंत्र हो गया। देवराजम गजारूढ़म शुनासीरम शतक्रतुम, शतक्रतु उनका नाम है, वज्रहस्तम महाबाहुम इंद्रमावाहयाम्यहम्, इंद्रमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः इंद्राय नमः, इंद्रमावाहयामि स्थापयामि। अब यम जी का शनि के दाएं भाग में रहते हैं और इनके लिए ओम यामाय त्वांगी रसुवाते, क्या लिखा, त्वांगी रसुवाते पितरी माते स्वाहा, स्वाहा गर्माय स्वाहा, गर्माहा पितरे, धर्मराजं महावीर्यं दक्षिणाधिकपतिं प्रभुं रक्तेक्षणं महाबाहुं यमं आवाहयाम्यहम्। देखो, हम यमराज जी को, कुछ लोग जो हैं वो मतलब यमराज जी आ जाएंगे, यमराज जी आएंगे, इस तरह से बातें करते हैं। तो यहाँ पूजा में साक्षात यमराज जी को बुलाया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। अम्बुर्वा स्वाहा यमाय नमः, यमम आवाहयामि स्थापयामि। शनि भगवान जी के दाएं भाग में बैठते हैं। तो उसके बाद है काल देवता जी, राहु, ये राहु जी के दाएं भाग में बैठते हैं। तो आवाहन स्थापन उनका इस तरह से, ये भी एक वैदिक मंत्र है, ओम कारे कारेखी रसी समुदरस्यत्वा क्षितया उन्नयामि समापो अद्वि अद्वि रगमाता, अद्वि रगमाता सामोखदि भीरोखदि। फिर से बोलते हैं ओम कारेखी, इसको बोल लो कारेखी रसी सामुदरसियत्वा क्षितया उन्नयामि समापो अद्भि रगमाता सामोखदि भीरोखदि। और लौकिक मंत्र है अनाका अनाकारमनंताख्यम वर्तमानम धीने धीने कलाकाष्ठादिरूपेण कालम आवाहयामि हम। लिखा ओम भूर्वः स्वः कालाय नमः, कालम आवाहयामि स्थापयामि। अब भगवान चित्रगुप्त जी का भी पूजन होता है। लिखा है केतु के दाएं भाग में ये बैठते हैं और इनका वैदिक मंत्र इस तरह से है, ओम चितरावसो स्वस्ति ते पारमशीय। बस इतना सा ही मंत्र है चित्रगुप्त जी के लिए। और फिर से बोलते हैं ओम चितरावसो स्वस्ति ते पारमशीय धर्मराज सभासंस्थम कृताकृत विवेकिनम आवाहये चित्रगुप्तम लेखनी पत्रहस्तकम। ओम भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तम आवाहयामि स्थापयामि। इस तरह से ये आदि देवताओं का जो पूजन है यहाँ पर आकर के संपन्न होता है। आदि देवताओं का हो गया, अब है उसके बाद प्रत्यादि देवता। तो प्रत्यादि देवताओं में सबसे पहले देवता हैं भगवान अग्निदेव जी। ये सूर्य के बाएं भाग में बैठते हैं। ओम अग्निम अग्निम दूतम पुरोधधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम, यहाँ प्लुत स्वर है ना, देवाम आसादयादिह, इस तरह से बोलना है। ये अग्निदेव कहीं पर भी, आप घर में पूजा करें भगवान अग्नि जी को बुलाते हैं, चूल्हे में भी अग्निदेव जी को बुलाते हैं, कहीं अर्घ्य दे रहे हैं अग्निदेव जी को, तो ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। सब जगह भगवान अग्निदेव जी के लिए प्रयोग किया था। लौकिक मंत्र भी है रक्तमाल्यांबरधरम। अब रक्त की बात हो रही है तो हम लाल पेन ले लेते हैं। तो लिखा रक्तमाल्यांबरधरम रक्तपद्मासनस्थितम, रक्त कहते हैं लाल को, वरदाभयदं देव देवम वरदाभयदं देवम अग्निमावाहयामि हम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि स्थापयामि। इस तरह से भगवान अग्निदेव जी की जो है सूर्य के बाएं भाग में, अब जितनी भी प्रत्यादि देवताओं की होंगी बाएं भाग में होंगी, ठीक है, सूर्य के बाएं भाग में होगी भगवान अग्निदेव जी का पूजन। अब है उसके बाद जल देव जी का पूजन, अप जिसको कहते हैं,
ये जलदेव जी हैं, वरुण देव जी नहीं हैं, जलदेव जी हैं। तो चंद्रमा के बाएं भाग में आवाहन स्थापन करना, ओम आपो हिष्ठा, आपो हिष्ठा मायो भूवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। फिर इस तरह से बोलेंगे, आदि देव समुद्भूत जगच्छुद जगच्छुद जगच्छुद्धिकराः शुभाः जगच्छुद्धिकराः शुभाः औषध्याप्या औषध अवुनीय सॉरी ओ है औषध्याप्यायनकरा औषध्याप्यायनकरा अप आवाहयाम्यहम। ओम पूर्वस्व अद्भ्यो नमः अप आवाहयामि स्थापयामि। इनको अद्भ्यो भी कहेंगे और अप भी कहेंगे। अब पृथ्वी माता जी हैं मंगल के बाएं भाग में, इनका आवाहन स्थापन करना। ये मंत्र जो है आपने पहले भी पढ़ा था कलश पूजन में, ओम सियो न पृथ्वी नो भवान ऋक्षरा ऋक्षरा निवेशणी यच्छानः शर्मस प्रथाः शुक्लवर्णां विशालाक्षीं कूर्मपृष्ठो परिस्थितां सर्वशस्याश्रयां देवीं धराम आवाहयाम्यहम। धरा भी कहते हैं, तो लिखा धराम आवाहयाम्यहम। भूर्वा स्वा पृथिव्यै नमः पृथ्वी आवाहयामि स्थापयेम। धरा किसे कहते हैं, वो पृथ्वी का ही पर्यायवाची है धरा। तो भगवान विष्णु जी के लिए एक और मंत्र, ये बुध के बाएं भाग में बैठते हैं, आवाहन स्थापन इनका इस तरह से रहेगा, ओम ईदम विष्णुर्वि चक्रा में विष्णुर्वि चक्रा में विष्णुर्वि चक्रा में विष्णुर फिर वि चक्रा में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्या पागुसुरे स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करें या भगवान विष्णु जी का पूजन करें, इस मंत्र को आप हर जगह बोल सकते हैं। क्या है, ओम ईदम विष्णुर्वि चक्रा में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्या पागुसुरे स्वाहा। इस तरह से भगवान विष्णु जी का मंत्र हो गया। इनके लिए लौकिक मंत्र है, शंख चक्र गदा पद्महस्तम गरुड़वाहनम किरीटकुंडलधरम विष्णुमावाहयामि हम। ओम पूर्वस्व विष्णवे नमः विष्णुमावाहयामि स्थापयामि। अब इंद्रदेव जी जो बृहस्पति जी के बाएं भाग में बैठते हैं, इनका आवाहन और स्थापन करना है। वहाँ भी इंद्रदेव जी थे, कहाँ, आदि देवताओं में प्रत्यादि देवताओं में भी हैं। ओम इंद्र आसानेता, यहाँ आसान है, ठीक है, सामने ना है तो यहाँ बिंदी जो है ना जैसी बोली जाएगी। ओम इंद्र आसानेता बृहस्पतिर्दक्षिणा, बार बार बोलेंगे तो आ जाएगा, बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञाः पुरा एतु सोमः देवसेनाना मभि। क्या है, मभि भंजति भंजति नाम जयंती नाम मारुतो यन्त्वगरम एरावत गजारूढ़ सहस्राक्षम शचीपतिम, शचीपति भी कहते हैं इंद्रदेव जी को, वज्रहस्तम सुरादीशम इंद्रमावाहयाम्यहम। सुरादीशम भी कहते हैं। तो भूर्वास्वा इंद्राय नमः इंद्रमावायामि स्थापयामि। सुरादिशम इसलिए कहते हैं, देवताओं को कहते हैं ना सुर, सुरों के जो स्वामी हैं उनको सुरादिशम कहते हैं। तो सुरादिश कौन हो गए, इंद्र। तो उसके बाद है इंद्राणी, शुक्र के बाएं भाग में बैठती हैं, आवाहन स्थापन इस तरह से रहेगा, ओम आदित्यै रासनासीन्द्राण्या। फिर से बोलेंगे, ओम आदित्यै 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 रासना 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 सींद्रान्य सींद्रान्य उखनी खाह पूखा सिगर्माय दीख्वा पूखा सिगर्माय दीख्वा गर्माय दीख्वा। तो इस तरह से बोलना आ गया आपको। तो क्योंकि मैं इसको वो मंत्र उनको थोड़ा टाइम देता हूँ जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, तो ये पहले नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैं आपको फिर से बोलते हैं, ओम आदित्यै रासना सींद्रान्या।
उखनी खा पूखा सिघर्मायदीख्वा प्रसन्नवदनां देवीं देवराज्यस्य भल्लभां नानालङ्कारसंयुक्तां शचीम् आवाहयाम्यहम्। ॐ भूर्वः स्वः इन्द्राण्यै नमः। इन्द्राणीम् आवाहयामि स्थापयामि। अब प्रजापति जी जो शनि के बाएं भाग में बैठते हैं, ओम प्रजापते नत्वदे तान यन्यो विश्वारूपानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वायग्गुं श्यामपतयो रयीणाम्। आवाहयाम्यहं देवो देवेशं च प्रजापतिम् अनेकव्रतकर्तारं सर्वेषां च पितामहम्। ओम भूर्वः स्वः प्रजापतये नमः। प्रजापतिम् आवाहयामि स्थापयामि। अब भगवान सर्प जी का पूजन जो है, भगवान सर्प के लिए ये मंत्र आप हर जगह बोल सकते हैं, कहीं पर भी। यहाँ भगवान शिवलिंग के ऊपर रहते हैं सर्पदेव, वहाँ पर भी आप ये मंत्र बोलेंगे तो आवाहन स्थापन। कहा जाता है कि कुछ एक मंत्र ही है भगवान सर्पदेव जी के लिए, उनमें से एक ये भी है, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये जो मंत्र है हमने जब शिव पूजन सीखा था उस वहाँ मैंने पढ़ाया था आपको, फिर से बोलते हैं। अनंताध्यान महाकायान नाना मणि विराजितान आवाहयाम्य हम सर्पान फना सप्तक मंडितान। फना सप्तक मंडितान, फना सप्तक भी कहते हैं सामदेव जी को, ठीक है। हम भूर्व स्व सर्पे भ्यो नमः सर्पानम आवाहयामि स्थापयामि। तो उसके बाद है भगवान ब्रह्मा जी, तो इनके लिए केतु के बाएं भाग में इनका आवाहन स्थापन होता है, तो ब्रह्मा जी के लिए फिर से वैसा ही मंत्र है, ओम ब्रह्मा यज्ञानम ब्रह्मा यज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद। पुरस्ताद लिखा इस तरह से देखो, पुरस फिर ताद पुरस्ताद, फिर बचा क्या, वी बच गया ना साथ में, पुरस्ताद वी सीमताः, वी के बाद सीमताः, ठीक है। सुरुचोवेन आवाह सुरुचोवेन आवाह सा बुध न्या, अब यहाँ बुध फिर न्या, बुध न्या उपमा अस्याविष्ठाः अस्याविष्ठाः सातश्च योनिमा सातश्च विवाह सातश्च विवाह। इस तरह से ये हो गया वैदिक मंत्र ब्रह्मा जी के लिए, एक और वैदिक मंत्र। तो आदि देवता और प्रत्यादि देवताओं के मंत्र जो हैं थोड़े थोड़े भिन्न हैं, देवता ज़्यादातर वैसे ही हैं। अब इनके लिए जो लोक मंत्र लौकिक मंत्र है वो हंस पृष्ठ समारूढ़ देवता गण पूजितम गुण गणनी गुण पूजितम आवाहयाम्य हम देवम ब्रह्माणम कमलासनम ब्रह्माणम कमलासनम। ओम भूर्वः स्वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। नवग्रहों के समान ही देवता तथा प्रत्यादि देवताओं का भी प्रतिष्ठा पूर्वक पाद्यादि उपचारों से पूजन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे, ओम आदि आदि प्रत्यादि देवताभ्यो नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि। इस तरह से मुख्य आचमनियम पंचामृत स्नानम, फिर उसके बाद जो षोडशोपचार पूजन है पूरा आप करें आदि देवताओं प्रत्यादि देवताओं का, जिसमें भोग आरती सब सम्मिलित रहता है। षोडशोपचार पूजन किसे कहते हैं, हमारी एक वीडियो है उसको देखें, ठीक है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं पंचलोकपाल पूजा। तो इसके लिए अगर हम इसी वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे अपलोड करने में ना बहुत सारा मेरा डाटा चला जाएगा, इतना डाटा नहीं रहता, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आप इसको अगर फ़ोन ऐसे रख के देखते हैं तो आपको छोटा छोटा दिखाई देगा, आपको फ़ोन ऐसा रखना पड़ेगा, और जूम भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं इसे HD में अपलोड करूँगा। जूम करके भी पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी जो पंडित्याई है, पूरे जो पंडित जिन जिन मंत्रों को बोलते हैं हमें भी बोलना आना चाहिए, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ और मैं आप सबको भगवान की कृपा से पढ़ाने में सक्षम भी हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। अब अंत तक बने रहें हमारे इस चैनल पे, सारे मंत्र आपको सिखाऊंगा।
सर पंडित को ही नहीं बोलने होते, यजमान को भी बोलने होते हैं सारे मंत्र। तो आप अभी बोलें, गुनगुनाएं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा गए। और ठीक है, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।